सो गाइस, मैं हूं शुभम और आज किस वीडियो में बताएंगे एक सैमसंग का क्रुवेद है जो कि मॉनिटर है। आपको ये बिल्कुल मतलब एक ऑफिस में एक बड़ा सा प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए एक बेटर है। ये आप अपने बिजनेस के लिए या फिर रख सकते हैं, फिर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैं स्टैंड यहाँ पर था, मैं इसको ऑलरेडी इसको मैं कस दिया हूँ, आपको दिखा देता हूँ सामने। इस तरह का है ये, इसमें मिला हुआ है आपको वारंटी, काफ़ी मजबूत है, कोई इशू है नहीं। आप इसके ब्रांड का मिल जाता है टाइटल जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद ये भी है, चलिए हम इसे करते हैं साइड में। इसके बाद इसका मिलता है ये जो कि ऑपरेटर है, काफ़ी अच्छा है। और इसको मेन पावर में देखकर सप्लाई करते हैं, इसका अभी हम इसमें कनेक्शन करेंगे। यही मुझे सेप मिला हुआ है, बिल्कुल हम इसे देख सकते हैं। इसका भी ब्रांड है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। इसको भी हम ऐड करते हैं। ये जो है वीजी है, ये मैं अलग से खरीद रखा है और HDMI भी ले लिया है, क्योंकि मेरे साथ ना ही तो इसमें HDMI मिला था ना ही तो वीजी मिला था। ये चीज़ मेरे को देखने में शायद ख़राब है, इसको मिल देना चाहिए। ये चीज़ मैं अलग से लिया हूँ, इसमें नहीं दिया है। इसको भी हम लगा लेते हैं क्योंकि मेरे को वीजी पसंद है। ऊपर का कुछ होता है दबा इस तरह से, और हम इसको बताते हैं, इसको कर देते हैं साइड में और फिर हम इसे बात करते हैं। आपका जो मेन चीज़ है दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को अभी तक लिए अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो मेरे पास आपके पास पहुँचे। और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं आराम से। ये पॉकेट देता है खैर हमारा खूब स्टैंडर्ड, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सामने ये आ गया, ऐड कर देंगे। पॉकेट कमाल का दिया है, डबल डबल इसका दिया है, जिसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में देखते हैं हमारा ये मॉनिटर कैसा आता है सैमसंग का, आपके सामने है दोस्तों। चलिए ये निकल के आ गया हमारा मॉनिटर, इसे हम निकाल लेते हैं और इसको रख लेते हैं और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। चलिए यहाँ पर रख लिए। इंच में बात करें तो बिल्कुल ये 30 इंच का है जो कि एक अच्छा है, लैपटॉप के मुताबिक देखा जाए और भी अगर मॉनिटर के मुताबिक देखें तो ये अच्छा है, और ये क्रुवेद है तो और बेटर है। इसके हम नीचे की बात कर लें तो यहाँ पे एक मिलता है आपको जो स्लॉट मिलता है ये वाला स्टैंड का, ये आपका मिलता है HDMI का, और ये आपको मिलता है VGA जिसको बार सेविंग के नाम से चलता है, ये ऑडियो, ये डिजोन डाटा सप्लाई, ये हो गया। इसमें 4 नॉट वोल्ट मिलते हैं, अगर आप किसी इसी में लगा कर कसना चाहते हैं स्टैंड में तिरछा तो आप स्टैंड में भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इजी है, आप देख लीजिएगा आपको यहाँ पर सेट करना है, मैं तो वहाँ पर सेट करता हूँ। अब मैं आपको इसे सेट करके ऑन करके दिखाता हूँ कि ऑन करने पर इसका डिस्प्ले जो इस तरह से भी है डिस्प्ले कैसे शो होगा, आपको इसके बारे में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को रुके रहिए तब तक के लिए, और इसको सेट करके हम फिर बताते हैं। सो गाइज, कुछ इस तरह से डिस्प्ले होता है आपके सामने है, यहाँ पर मदरबोर्ड का डिस्प्ले हो रहा है, फुल दिखाता हूँ आपको। विंडोज 10 इंस्टॉल है मेरे में, तो आप देख सकते हो डिस्प्ले भी काफी कमाल का है, मेरे को लुक मिल रहा है देखने को। चलिए कीबोर्ड लाइए। देखिए थोड़ा देर में दिखा दूँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा कि लाइट नहीं आता होगा, अब आ गया। हाँ, अब फूल आ रहा दोस्तों, तो देखिएगा वीडियो पर यहाँ तक ले आ गए हैं तो डिस्प्ले काफ़ी मेरे को कमाल अच्छा देखने को दिख रहा है। और
ये अच्छा है मेरे को ख्याल से लग रहा है। देखिए आपको सब दिखा दे रहे हैं खोल के, एक वीडियो प्ले करके भी दिखा दे रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है तो देख लीजिए। यहाँ पे वीडियो है, चलिए मतलब ये हाई क्वालिटी में हमको डिस्प्ले दे रहा है तो अच्छा लगा मेरे को मोनिटर। और इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। प्राइस नहीं बता पाऊँगा गाइज, क्योंकि प्राइस मार्केट के हिसाब से बढ़ता रहता है घटता रहता है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और बिल्कुल तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, बाय।